क्रिकेटर्स जुड़े इस मैच को देखने के लिए। और ये स्विच, दैट इज अ आउटस्टैंडिंग शॉट बाय ईशान पटेल, द सक्सेसफुल। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे इरफान पटेल, जिसके वो माहिर माने जाते हैं, बेहतरीन स्विच हिट के माहिर। जिस तरह से लेफ्टी से खेलते हैं उसी अंदाज में लेफ्टी से भी खेलते हैं। इस 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन, लॉस ऑफ विकेट 29 रन बन चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी इरफान पटेल की बैट से, यकीनन इनकी मैच और इनकी बल्लेबाजी देखकर काफी व्यूअर्स। समाप्ति, अच्छा प्रदर्शन यहां पर बल्लेबाजों का, बड़ी प्लानिंग करने पड़ेगी यहां पर नाइक इलेवन को, क्योंकि 16 रन यहां पर तो जुटाने में कामयाब। 35% मैच वादर क्रिकेट क्लब के हाथ में, 65% मैच नाइक इलेवन के हाथ में। देखते हैं ये कौन जीत पाता है। और हवा में गेंद, कल तकरीबन 95 मीटर का सिक्स धीरज के बल्ले से निकलता हुआ, सॉरी इरफान के बल्ले से निकलता हुआ, और इस 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25। अभी भी जीत के लिए चाहिए 8 रन सिर्फ। मैंने पहले ही कहा था इरफान पटेल जब तक, और सीमा और रेखा के पार गेंद, अंपायर का इशारा 6 रनों का। इस 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33। समझदार को इशारा काफी, मैं बोलने वाला था कुछ, मेरे सामने है पुलिस वाले पर नहीं बोलूंगा। समझदार को इशारा काफी, लाल बोलूंगा सिर्फ। समझदार को इशारा ही काफी होता। और गेंद देखेंगे कहां जाती है, सीमा और रेखा के पार। इस 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। अच्छा कमबैक किया इन्होंने इरफान पटेल ने। देखेंगे आखिरी गेंद पे क्या होता है। स्ट्राइक पर है इरफान पटेल, नॉन स्ट्राइक पर बबलू, और बॉलिंग के लिए योगेश तैयार। और दूसरा ऑफसाइड की ओर गेंद जाती हुई, सीमा और रेखा के पार। इस 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, जो कि 2 ओवर की समाप्ति पर। अच्छी बैटिंग कर रहे अपने टीम के लिए इरफान पटेल, उनको एक जीवनदान मिला था पहले ही ओवर में, जैसा ही जीवनदान मिल रहा है उनको, अच्छी बैटिंग करते।